मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत तहसील की शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्यालय में बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर बच्चों को विद्यालय में बिठाया गया तो उनकी जान पर खतरा भी हो सकता है। बारिश के समय विद्यालय की छत के सरिये भी दिख रहे हैं और छत से पानी भी गिर रहा है और छत से मलबा भी बच्चों के ऊपर गिरता है। गांव वालों ने बताया कि बच्चों को लगभग 4-5 वर्षों से गुर्जर मांगलिक भवन में बिठाया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम कालबरड़ के प्रधान अध्यापक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि स्कूल की शिकायत जनपद शिक्षा केंद्र बड़वाह, BRC विकास खंड बड़वाह और CM हेल्पलाइन में भी कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की प्रशासन से मांग है कि विद्यालय जल्द से जल्द बने ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। नमस्कार सर जी, आपका नाम? देवेंद्र सिंह चौहान जी। कहाँ पे यहीं पढ़ाते हो सर? हाँ, कालबरड़। तो सर यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था नहीं है सही, तो क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी, तो कितने दिन से इधर उधर लगा रहे हैं बच्चों? ये तो यहाँ करीबन 4-5 साल से यहाँ लग रही है, बता रहे हैं। मैं तो अभी बाद में आया, 3-1 साल हो मुझे। अच्छा, बाकी ऊपर उच्च अधिकारी को बताया, अवगत भी करवा दिया। अच्छा। लिखित में भी दे दिया, बाकी आज तक अभी भवन तो आया नहीं है अभी। ठीक है। और ये मांगलिक भवन में भी लग रही है। गांव वाले अभी बोल रहे थे, बोले कि अब हमारा यहाँ कार्यक्रम चालू होगा काम, तो इसमें सीमेंट वगैरह रखेंगे, आप स्कूल खाली कर दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।